हे गाइस, अगेन वेलकम बैक इन सपना की दुनिया। तो है ये सेकंड डे का ब्लॉग। डे तो वही है बट आपको सेकंड डे देखने को मिल रहा है। एक्चुअली तीज में जो कि व्रत रखते हैं जो लोग, उनको पता होगा कि 3 बार नहाना होता है। तो आज मैं नहाना ही भूल गई। एक बार सुबह नहाया था वही, नहीं तो मैं दोपहर में नहा लेती हूँ, फिर रेडी होने से पहले शाम को नहा लेती हूँ, तो 3 बार कंप्लीट हो जाता है। पर आज मैं भूल गई, तो अभी भी मैं नहा के आई तो 2 बार हो गया है। रेडी होंगी, पूजा नहीं, रेडी होंगी, फोटो वगैरह क्लिक करूंगी थोड़ी देर, उसके बाद जब इसको चेंज करूंगी फिर नहा लूंगी, तो वो 3 बार हो जाएगा। तो मैं आपको साड़ी दिखाती हूँ कि मैंने कौन सी साड़ी निकाली है पहनने के लिए। तो जो साड़ी निकाली है पहनने के लिए मैंने, वो ये साड़ी है। पहनने के बाद आपको पूरा दिखेगा, तभी समझ में भी आएगा कि कैसा है क्या है। इसके पहले मैंने बहुत ही ज्यादा हैवी साड़ी निकाली थी पहनने के लिए। जब मुझे लगा था कि मैं पूजा करने जाऊंगी तो मैंने सोचा था कि मैं वही साड़ी पहन के जाऊंगी, पर अभी तो पूजा करने जाना नहीं है, इसलिए मैंने एक इसका सिर्फ ये चीज और ये चीज हैवी है। अदरवाइज साड़ी बहुत सिंपल है। मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरीके के ऐसे बड़े बड़े गोटा पट्टी जैसे बने हुए हैं। अदरवाइज साड़ी बहुत सिंपल है। तो मैं साड़ी पहन के रेडी होके फिर आपसे मिलती हूँ। वैसे हो सकेगा तो मैं आज आपसे थोड़ा सा मेकअप ट्यूटोरियल भी शेयर करूंगी अपना। क्या मेकअप ट्यूटोरियल, थोड़ा सा मेकअप जो करना आता है वो आपको बताऊंगी कि किस तरीके का करती हूँ, कैसा करती हूँ। तो चलो मैं साड़ी पहन के रेडी हो जाती हूँ, उसके बाद फिर आपसे मिलती हूँ। तब तक थोड़ी देर स्टे ट्यून विथ मी। हाय, हेलो। तो साड़ी तो मैंने पहन ली है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ पूरा लुक। तब मुझे याद आया कि मुझे आप लोगों के साथ थोड़ा सा हेयर एंड मेकअप का शेयर करना है। तो मैं अब बना रही हूँ अपना हेयर स्टाइल। तो मैं ऐसे बनाते बनाते ट्राई करूंगी कि आप लोगों से शेयर हो जाए, क्योंकि मुझे करना है बहुत फटाफट जो भी करना है, क्योंकि मेरे बच्चे उठ जाएंगे, ज्यादा टाइम नहीं है। ये साड़ी मेरी है शादी में जो चढ़ाते हैं ना ससुराल साइड से साड़ी, तो ये ससुराल साइड की साड़ी है जो मैंने आज तक नहीं पहनी है, क्योंकि इतनी साड़ियां हो गई हैं मेरे पास कि मुझे पहनने का अच्छा खासा मौका ही नहीं मिलता है। 1 मिनट। तो आगे का तो जैसा मैं चाहती थी वैसा हो गया है। वैसे मेरे बालों में बहुत अच्छी हेयर स्टाइल नहीं बन पाती है, क्योंकि मेरे बाल जो है ना बहुत ज्यादा कर्ली हो जाते हैं। कर्ली होने की वजह से बाल सुलझते नहीं है, ना सुलझने की वजह से अच्छा हेयर स्टाइल नहीं बनता है। दिस इज द प्रॉब्लम, इसीलिए मैं अधिकतर बन बनाने की कोशिश करती हूँ कि मैं बन बना लूंगी तो थोड़ा सुपर दिखेंगे। आगे से सही हो गया, क्योंकि भरना है मुझे पूरा सिंदूर। और अब करेंगे थोड़ा सा फेस मेकअप फटाफट। मैंने सबसे पहले लिया है प्राइमर, जिसे मैं थोड़ा सा यूज करूंगी। मैंने फेस वॉश पहले ही कर लिया था, क्योंकि मैंने बताया था कि मैं अच्छे से फ्रेश इनअप होकर आई हूँ नहा धो के। इसके बाद मैं लूंगी थोड़ा सा फाउंडेशन। मैं किसी पेड प्रमोशन पे नहीं हूँ, मैं बस आपको बता रही हूँ कि मैं क्या क्या मेकअप में यूज करती हूँ। वैसे तो फाउंडेशन को ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से मिक्स करना चाहिए, बट जब टाइम ना हो ना तो ऐसे ही कर लेना चाहिए। ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लॉगर्स करते हैं जो मेकअप ट्यूटोरियल करते हैं, क्योंकि उनके पास ज्यादा समय होता है, हमारे पास ज्यादा समय नहीं होता है। हो गया है अच्छे से मिक्सअप। मैं थोड़ा सा अपने मिरर में देख लेती हूँ।
चलते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट पे। नेक्स्ट मैं यूज कर रही हूँ कॉम्पैक्ट, जिसे मैं बहुत संभाल के यूज करती हूँ क्योंकि ये मुझे उतना पसंद नहीं होता है, बट चूंकि गर्मी है एंड पसीने के कारण थोड़ा थोड़ा यूज करना पड़ेगा। तो अब मैं यूज करूंगी शाइडो क्योंकि मेरा कॉम्पैक्ट कंप्लीट हो गया। मैंने अपने कैमरे की पोजीशन चेंज कर दी क्योंकि लाइटिंग अच्छी नहीं आ रही थी, तो मैं शाइडो हमेशा उंगलियों से ही टैप टैप करके यूज करती हूँ क्योंकि इसमें समय बचता है और चीजें जल्दी हो जाती हैं। ब्रशिंग में तो बहुत समय जाता है बाबा, उसको इतना ज्यादा ब्लेंड करना पड़ता है ना, तो ये मुझे ज्यादा इजी लगता है। साइडो मुझे जितनी चाहिए उतनी प्रॉपरली हो गई है क्योंकि ऊपर थोड़ा सा आईब्रोज मतलब बढ़ गए हैं और थोड़ा सा हाइड करना है, तो इसमें जो हल्का व्हाइटिश व्हाइटिश शैडो होता है ना, जिसको एज अ हाइलाइटर भी यूज करते हैं, उससे मैं थोड़ा सा ब्रशिंग ऐसे कर देती हूँ, आंखों से थोड़े छिप जाते हैं। नाउ इस लाइनर टाइम, एंड लाइनर सबसे ज्यादा केयरफुली लगानी होती है जिसकी वजह से मैं ये भी लगाऊंगी मेरे मिरर के सामने, और आपको तो पता ही है लाइनर इज द मोस्ट डेलिकेट थिंग। एंड लाइनर के होने के बाद मैं लगाऊंगी काजल। काजल मैं थोड़ा सा डार्क करने की कोशिश करूंगी, वैसे तो मैंने यहाँ पे लगाया है ब्राउन पेंसिल आईज के नीचे जहाँ पे काजल लगाती हूँ, मैं चाहती तो काजल नहीं भी लगाती बट अच्छा लगेगा। मेरी लाइनर आपको कैसी लग रही है मुझे जरूर बताना, वैसे तो परफेक्ट लगी है लाइनर, जल्दी किसी की परफेक्ट नहीं लगती। द ग्रेट एक्ट्रेस मधुबाला जी जो थी उन्होंने अपने रूप में बताया था कि उनकी दोनों लाइनर कभी भी सेम नहीं होती, चाहे जो भी मेकअप आर्टिस्ट उनको रेडी करता था। मेरे पास आईब्रो पेंसिल नहीं है, अदरवाइज मुझे बहुत शौक है आईब्रो पेंसिल लगाने का। अगर मेरे बच्चे उड़ गए ना मेरी बैंड बजा देंगे वो, तो अभी उन दोनों की तबीयत भी नहीं अच्छी चल रही है, मेरे शौक मुझे देखती नहीं। रेडी होने का सिर्फ एक ही मतलब था, बीच की यादें तो रह जाए क्योंकि सुबह उतना रेडी नहीं होते हैं। सुबह एक्चुअली पूरी रात बिना पानी के रहते हैं ना, इतनी जोरों की प्यास लगी होती नहीं होता है, फटाफट 4 बजे उठो नहाओ धो फटाफट साड़ी पहनो कुछ भी कैसे भी करके और जल्दी से प्रसाद बनाओ और जाओ पूजा करके आओ फटाफट जो है व्रत को। उस समय रेडी होने का बिल्कुल भी मन नहीं होता, मेरा तो बिल्कुल नहीं होता, मुझे तो ऐसा लगता है फटाफट किसी तरीके से काम कंप्लीट करते हैं। एंड सबसे इम्पोर्टेंट थिंग इज लिपस्टिक। मैं 2 लिपस्टिक लगाती हूँ अधिकतर मतलब हमेशा, दो लिपस्टिक लगाने का रीजन ये होता है ना कि उससे कलर बहुत सुंदर आता है, इतना सुंदर कलर निकल के आता है ना कि वो कलर हमारे पास होता भी नहीं है। तो मैंने लगाया रेड एंड पीच दोनों का मिक्सअप लगाया, एंड लिपस्टिक लगाने के बाद में थोड़ा सा उसमें शैडो की कलाकारी कर देती हूँ जिससे लिपस्टिक थोड़ी मैटी मैटी हो जाती है एंड बहुत सुपर लगती है। यही अगर आपको बिना बताए मुझे मेकअप करना होना तो ये मेरा मेकअप 10 मिनट का होता है, 10 मिनट के अंदर खत्म मेकअप फिनिश। पर आपको बताना है तो एक चीजें थोड़ी थोड़ी सी बतानी होती है एंड सेकेंड थिंग दिखानी होती है, इसलिए थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है। एंड नाउ टाइम टू सेंड ऑन। मैं जैसे फेस्टिवल होता है स्पेशली तीज या करवा चौथ, इस पे बहुत ज्यादा उत्सुक रहती हूँ मैं मेरे सिंगोरे से लगाऊं
ऐसा गलत है। ये वो सिंदूरा है जो मुझे मेरी शादी में मिला और मैं इससे सिंदूर नहीं लगाती हूँ। मेरा एक पेपर है क्योंकि हमारे जमाने का तो सिंदूर जूठा हो जाता है, तो थोड़ा सा साफ सिंदूर रखना अच्छा। तीस पे और करवा चौथ पे ट्राई करती हूँ कि मैं इसी से लगाऊँ। तीस तो मेरा लग जाता है, करवा चौथ नहीं हो पा रहा है 2 साल से, क्योंकि करवा चौथ पे मैं मायके में रहती हूँ और शायद इस बार भी मैं मायके में ही रहूंगी, इसलिए इस पे ही केवल लग पाता है, करवा चौथ पे नहीं लगता है। लोग तो ये बोल रहे होंगे कि अभी तो केवल सिंदूर ही दिख रहा है पूरे मेकअप में, पर ऐसा नहीं है। आप ध्यान से देखेंगे तो पूरा मेकअप भी दिखेगा, लेकिन सिंदूर को 4 चांद लगाता है, सबसे बेस्ट लगता है। अभी तो जूली पहनने और ये है मेरा पूरा फाइनल लुक। अभी मैं नीचे जाऊंगी ना, लग रहा है बहुत सुंदर, लग रहा है बहुत ही ज्यादा सुंदर। मुझे नहीं पता कैमरे में आपको कैसा दिख रहा है, बट बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल। मैं आपको थोड़ा अपना पूरा दिखाती हूँ, साड़ी से लेकर के मैं आपको अपनी चूड़ी ऐसे निकाल देती हूँ। मैंने 5 बजे रेडी होना मैं शुरू हुई हूँ और अभी बज रहे हैं 6, और 1 घंटे में मैं पूरी तरीके से मस्त तरीके से मतलब रेडी हो गई। यार मैं कैमरा कहाँ रखूं जहां से आप लोगों को दिखे पूरी तरीके से। एंड यस, दिस इज माय फुल एंड फाइनल लुक। ये है मेरा पीस लुक और अभी आपको साड़ी के नीचे का पैटर्न नहीं मिलेगा, वो मैं ऊपर वहां से आपको दिखाऊंगी। मैंने दो जोड़ी फोटो खींच लेती हूँ फिर आपसे मिलती हूँ। गाइस तो हो गया, मैंने फोटो वोटो वगैरह सब कुछ जो भी मुझे खींचनी थी मैंने खींच ली। मैं ऊपर आई थी फोटो लेने के लिए क्योंकि ऊपर का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा था और मौसम बहुत अच्छा था, तो मैंने कहा फोटो बहुत अच्छी आएगी और यहाँ पे फोटो बहुत सुंदर आ भी रही है। और मैंने नथिया निकाल दिया क्योंकि मेरे से संभाली नहीं जा रही थी, वो बहुत हैवी है। जब आर्टिफिशियल आप पहनते हो ना तो वो बहुत हैवी होती है, वो कैरी नहीं करते बनता। जो हमारी रियल गोल्ड वाली होती है ना बहुत पतली दुबली हल्की सी होती है, तो वो आराम से हैंडल हो जाती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि अब मैं चेंज कर लेती हूँ क्योंकि 6 बज चुके हैं और मेरे बच्चों के उठने का टाइम हो गया है। अगर वो उठ गए ना तो मेरे सर पे धातिन तैया खेलने लगेंगे। इसलिए मैंने कहा मैं यहीं पे ब्लॉग की एंडिंग कर देती हूँ। नीचे जाऊँगी मैं मम्मी के पास क्योंकि रेडी हुई हूँ, तो एक बार मम्मी को तो दिखाऊंगी, फिर उसके बाद फटाफट आ करके चेंज कर लूँगी। तो अब मैं मिलूँगी शायद आपसे सुबह मॉर्निंग में जब पूजा करते हैं उस समय, मॉर्निंग के पूजा के टाइम। तो ये है मेरा 30 लुक फाइनल। तो ये है 30 लुक, मतलब कि ठीक है ना, अगर पूजा नहीं किया तो क्या हुआ, अपने आप मन में रेडी हो करके अच्छे तरीके से फोटो खींच ली। और व्रत तो है ही, तो यादें तो रहेंगी ना कि हाँ उस बार तीज पे ये वाला लुक था, ऐसा मैंने पहना था, ऐसा था। तो ये साड़ी मैंने आपको पूरी दिखा दी मिरर में, ये अभी मैं दिखा देती हूँ ऐसे, यहाँ शायद मैं दिखा सकूँ, एक मिनट मैं ट्राई करती हूँ। है तो ये बहुत सुंदर साड़ी, पर अभी तक मैंने आज तक इसको पहनी नहीं है क्योंकि पहनने का कभी मौका ही नहीं मिला। अब तो ब्लाउज भी ढीले ढीले से हो गए हैं थोड़े, चलेगा। तो मैंने बिंदी नहीं चेंज की क्योंकि मैं भूल गई इसलिए मैंने बिंदी नहीं चेंज की, नहीं तो मेरे पास बड़ी वाली इसकी सेट बिंदी थी, पर भूल गई, कोई नहीं। पर लुक कैसा लग रहा है आप लोग जरूर बताइएगा, अच्छा लगे तो फिर अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा कि आपको लुक कैसा लगा और चीजें कैसी लगी, वीडियो कैसी लगी। अभी तो मैं आपसे मॉर्निंग में मिलूंगी, उसके बाद ही मेरा टाटा बाय बाय होगा, लेकिन अभी के लिए फिलहाल यहाँ पे ज्यादा लाइट आ रही है, ज्यादा अच्छी फोटो आ रही है, पर मैंने यहाँ पे फोटो नहीं खींची, मैंने केवल वही फोटो खींची। मेरी आई साइड हो आप बताइएगा, जो मैं यहाँ हाथ से करती हूँ पट 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 पट,
वो कैसी जाती है, ब्रश से करना चाहिए कि हाथ से करना चाहिए। वैसे अगर आप बोलेंगे ब्रश से करना चाहिए शायद मैं तब भी ना कर सकूं, क्योंकि ब्रश बहुत टाइम लेता है यार। हाथ से फटफट फटफट एक मिनट में हो जाता है, सब कुछ हो जाता है पूरा, और ब्रशिंग बहुत टाइम लेता है। तो चलो मैं चलती हूँ, ये सब थोड़ा निकालूंगी, मम्मी को दिखाने के बाद निकालूंगी। यार ये सब पहनने में जितना मजा आता है ना, निकालने में उतनी ही सजा आती है। पहनते वक्त तो मजे से फटाफट निकाल करके पहनते चले जाओ, पहनते चले जाओ, निकालने में ना ये देखो यही वाला हाल होता है। कहीं यहाँ फंस गया है, कहीं वहां फंस गया है, फिर उसको सेट करो, फिर अच्छे से रखो। कभी कभी तो दो दिन तक ऐसे पड़ा ही रह जाता है कि उसको सेट करना है। मेरे साथ तो ये हमेशा होता है। मैं जैसे आज रेडी हुई हूँ, तो रेडी होने वाला सामान 3 दिन तक बाहर रहेगा, उसके बाद 4th दिन वो अंदर जाता है। वो भी फिर मुझे वो फील होता है कि यार कि इतने दिन से बाहर पड़ा हुआ है, लाओ अब इसको रख देते हैं, रख देते हैं, रख देते हैं, फिर मैं उसको बाहर रखती हूँ। ये मांग टीका जो है मैंने खरीदा था 2018 में, और एक बार पहना था, उसके बाद कभी नहीं पहना, आज पहना। मेरे पास ऐसी बहुत सारी ज्वेलरीज पड़ी हुई है जो मैंने लिया हुआ है और एक बार पहना हुआ है और वो रख दिया है, क्योंकि फिर जल्दी टाइम नहीं मिलता है, और टाइम मिला तो दूसरा कुछ पहनने का होता है, एक ही चीज बार बार रिपीट करके थोड़ी पहनेंगे। वैसे 30 पे मैं ऑलमोस्ट हमेशा से ही सिर्फ गोल्ड जो ज्वेलरीज होती हैं वो ज्यादा प्रेफर करती हूँ पहनना। पिछली बार मैंने बहुत सुंदर सा सारा का सारा सब कुछ गोल्ड गोल्ड पहना था, पर इस बार मैंने नहीं पहना क्योंकि मुझे फटाफट रेडी होना था, जल्दी जल्दी रेडी होके जल्दी जल्दी फोटो खींच के जल्दी से फिर उतार देना था ताकि मेरे बच्चों को प्रॉब्लम ना हो। इसलिए आज मेरे गले में कुछ नहीं था और मैंने इस चीज को ध्यान नहीं दिया, ऐसा होना नहीं चाहिए। एक्चुअली कल मेरी जो सानू है उसकी हल्की सी तबीयत गड़बड़ है, जिसकी वजह से वो बहुत रो रही थी, बहुत रो रही थी, और उसने रोते रोते मेरा चैन तोड़ दिया। मेरा 3री या 4थी बार चैन टूट चुका है बच्चों के आने के बाद। बच्चों के आने के बाद बहुत चैन टूटते हैं यार, पकड़ के लटक जाते हैं उसी चैन पे ही। चलो मैं फटाफट चेंज कर लेती हूँ, ये तो हो गया है, बस चूड़ियां उतारनी है। Hey guys, again welcome back in my channel। सपना की दुनिया तो हो गई है मॉर्निंग, और मैं कर रही हूँ मॉर्निंग के पूजा की तैयारी। पूजा के लिए बना रही हूँ प्रसाद। प्रसाद में बनेगी पूरी और हलवा, तो 7 जोड़ी पूड़ियाँ चढ़ती हैं और हलवा चढ़ता है। मुझे हो रहा था लेट, जिसकी वजह से मैंने 2 कढ़ाइयाँ चढ़ा दी थी। अदरवाइज़ मैं जिसमें पूड़ी बनाती हूँ उसी में हलवा भी बना लेती हूँ, पर अभी मेरे पास समय नहीं था, इसलिए मैंने पूड़ी और हलवा साथ में ही बनाने के लिए सोचा। तो मेरा हो गया है प्रसाद रेडी, एंड प्रसाद रेडी होने के बाद पूड़ियों के ऊपर मैं रख ले रही हूँ हलवा। 7 जोड़ी पूड़ियाँ होती हैं और उसके ऊपर हलवा होता है, उसके ऊपर चना मटर होता है, इसके अलावा फूल वगैरह होते हैं। टैंटरान, तो यहाँ हो गई है मेरी पूड़ी रेडी और हलवा मैंने ऊपर डाल दिया। इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ अभी मटर, और इसके बाद मैं डालूंगी इसके ऊपर चना, क्योंकि चना मटर साथ में चढ़ाया जाता है। इसके अलावा कुछ चना मटर साफ ले लिया जाता है, जो भगवान जी को भी चढ़ता है। मंदिर में जब मैं आई तो 5:30 अप्रॉक्स हो रहे थे, और अभी तक बादल खुला नहीं था, बहुत ज़्यादा अंधेरा था, इसलिए वीडियो बहुत ज़्यादा इस तरीके से आया है, कुछ भी क्लियर आ नहीं रहा था, क्योंकि सिर्फ मंदिर में जो लाइट थी वही शेडो शेडो सी पड़ रही थी, और मंदिर खुला था तो पुजारी जी पूजा भी कर रहे थे और गीत भी लगा हुआ था, तो मैंने इसीलिए अपना पूजा किया और थोड़ा सा ही क्लिप यहाँ पे रिकॉर्ड किया, क्योंकि मुझे पता था ऐसे अंधेरे का रिकॉर्ड देखने में आपको अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए मैंने इसको फास्ट फॉरवर्ड पे भी लगा दिया है।
फाइनली पूजा मेरी हो चुकी है और पूजा करके आ रही हूँ, तो थोड़ा थोड़ा बादल खुला हुआ है, मतलब थोड़ा सा उजाला होने वाला है और पूजा बहुत ही अच्छे तरीके से मेरी हो गई संपन्न। अब मैं घर जा रही हूँ। ये जो मंदिर है ये मेरे घर से ज़्यादा दूरी पे नहीं है, मतलब कि कुछ ही कदम की दूरी पे है, इसलिए आराम से आना जाना हो जाता है और इतने बजे तक यहाँ काफ़ी लोग उड़ जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा ठीक लगता है। अदरवाइज़ मुझे तो बहुत डर लगी बाहर आने में इस समय 4 बजे 5 बजे रात को। तो ये है मटर और इसको मैं निगलूँगी पानी के बल पे और तभी होगा कंप्लीट मेरा व्रत। तो जितने भाई होते हैं उतना मटर निगलना होता है, मेरे 3 भाई हैं तो मैं 3 मटर निगलने के बाद 1 मटर एक्स्ट्रा निगलूँगी जो कि होता है भगवान जी का। और इसके जस्ट बाद खाते हैं पूरी और हलवा जो चढ़ाए रहते हैं और इसी के खा करके अपना जो उपास होता है उसका समापन करते हैं। व्रत मतलब यहाँ पे हुई व्रत की समाप्ति। एंड ये रहा मेरा तीज का पूरा फुल ब्लॉग और यहाँ पे मैं दिखाऊंगी आपको अपना थोड़ा सा लुक, जो साड़ी है वो। वैसे तो सुबह मॉर्निंग में कोई लुक नहीं होता, हालत एकदम ख़राब रहती है व्रत कर करके। यहाँ पे कंप्लीट हुआ मेरा पूरा तीज का ब्लॉग और यहाँ पे मैं ब्लॉग की एंडिंग करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा होगा। बाय बाय।